दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 हिल स्टेशन के बारे में, जहां जाना हर किसी का सपना होता है। हिल स्टेशन का नाम सुनते ही दिमाग में आता है बस एंजॉयमेंट। इसी वजह से कुछ लोग तो हर साल किसी ना किसी हिल स्टेशन घूमने ज़रूर जाते हैं, खासकर गर्मियों में जब हर जगह गर्मी होती है। वैसे तो इंडिया के हर शहर के पास कोई ना कोई हिल स्टेशन है, पर आज मैं 10 ऐसे हिल स्टेशंस के बारे में बताऊंगा जहां आप जरूर जाना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, माउंट आबू। दोस्तों, माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। जहाँ की राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, वहीं माउंट आबू में टेम्परेचर कम रहता है। कई सालों पहले राजस्थान के राजा महाराजा गर्मी से परेशान हो जाते थे, तो राहत पाने के लिए वो भी माउंट आबू ही जाया करते थे। पहाड़ों से घिरा हुआ ये हिल स्टेशन सुंदर कलाकृतियों से बने मंदिरों से घिरा हुआ है। राजस्थान की संस्कृति भी यहाँ साफ देखने को मिलती है। नंबर 9, मंसूरी। दोस्तों, मंसूरी उत्तराखंड के देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस हिल स्टेशन से शिवालिक रेंज और दून वैली का नज़ारा देखते ही बनता है। इस जगह का नाम मंसूर नाम की एक झाड़ी से लिया गया है, जो इस एरिया में हर जगह मिल जाएगी। गर्मियों में यहाँ का मौसम ठंडा रहता है, और सर्दियों में यहाँ स्नोफॉल का मज़ा भी आप ले सकते हो। अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ के कैंपटी फॉल, लाल टिब्बा, ज्वाला देवी मंदिर और झरी पानी झरने को ज़रूर देखें। नंबर 8, दार्जिलिंग। दोस्तों, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको अपनी लाइफ में एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ की सुंदरता ही नहीं, बल्कि यहाँ की उगने वाली चाय भी पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये हिल स्टेशन अंग्रेजों के समय ही विकसित हो गया था। अगर आप यहाँ जा रहे हैं, तो आप यहाँ के टॉय ट्रेन से ट्रेवल करना मत भूलना। नंबर 7, मनाली। दोस्तों, ऋषि मनु का घर माने जाने वाला मनाली किसी भी हिल स्टेशन की लिस्ट में टॉप पर ही आता है। मनाली को इसकी सुंदरता के साथ साथ इसके हिंदुओं के धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है, और यहाँ आपको अपने मनोरंजन के लिए वो हर चीज़ मिल जाएगी, जैसे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग और भी बहुत कुछ। यहाँ बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए, जैसे कि हिडिंबा देवी टेम्पल, वशिष्ठ कुंड, मणिकरण, रोहतांग पास, सोलांग वैली और भी बहुत सी जगहें। इसलिए आप जब भी यहाँ आएँ, थोड़ा सा टाइम लेके ज़रूर आएँ। नंबर 6, ऊटी। ऊटी तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। ऊटी कोयम्बटूर से 65 किलोमीटर पर है। ऊटी में आपको हर जगह नीलगिरी के पौधे देखने को मिल जाएंगे। ऊटी हनीमून स्पॉट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ आपको चाय के बगान और हरे भरे जंगल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ऊटी में आप बोटेनिकल गार्डन, टी फैक्ट्री, डोडा बीटा पीक, रोज़ गार्डन, ऊटी लेक्स, स्टोन हाउस, ऊटी माउंटेन रेलवे, कलहट्टी फॉल्स भी देख सकते हैं। नंबर 5, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को इंडिया का दूसरा स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यहाँ के बर्फ़ वाले पहाड़ और उन पर जमी रुई जैसी बर्फ़ घूमने का मज़ा और बढ़ा देती हैं। यहाँ पहुँचकर आप अपनी थकान को पल भर में ही भूल जाएंगे। यहाँ का नैना देवी मंदिर, चटई मंदिर, कटरमल मंदिर देखने को मिलेगा, और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो यहाँ आपको वो भी करने को मिलेगी। नंबर 4, मुन्नार। मुन्नार केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह हिल स्टेशन कोची से 130 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मुन्नार में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और प्लेजेंट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर ट्रैकिंग, बोटिंग और पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। मुन्नार में आप एलिफेंट अराइवल पॉइंट, टी पॉइंट, कुंडला डैम, चिन्नौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 4 से 5 वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे।
नंबर 3, नैनीताल उत्तराखंड। नैनीताल को जाना जाता है वहाँ की लेक्स के लिए। ये जगह पूरी तरह झीलों से घिरी हुई है। उत्तराखंड का ये हिल स्टेशन बहुत ही पॉपुलर है। आपको चाहे अपने दोस्तों के साथ जाना हो या अपनी फैमिली के साथ, ये जगह एक अच्छा समय बिताने के लिए परफेक्ट है। गर्मियों में नैनीताल का ठंडा मौसम और सुंदरता लोगों को अपनी ओर खींच लाती है, और सर्दियों में स्नोफॉल और विंटर स्पोर्ट्स इसे और भी मज़ेदार बना देते हैं। नंबर 2, शिमला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के इस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों के समर कैपिटल भी हुआ करती थी। यहाँ की सुंदरता को शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ की हर चीज़ अलग है, जैसे कि यहाँ का मॉल रोड हो या झाकू टेम्पल, मशोबरा हो या कुफरी, शिमला की हर एक जगह में आपको ब्रिटिश टाइम की एक झलक देखने को मिलती है। सर्दियों के समय यहाँ जमकर बर्फ पड़ती है और गर्मियों में यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। नंबर 1, श्रीनगर कश्मीर। किसी शायर ने कश्मीर के बारे में कहा था कि इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। ये जगह है ही इतनी खूबसूरत कि हर किसी के मुंह से यही निकलता है। ये एक ऐसा शहर है जिसमें कोई भी कमी नहीं है। सुंदर झीलें और हाउस बोट इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। इस जगह पर जाने का सपना सब देखते हैं, पर पिछले कुछ सालों से यहाँ फैले आतंकवाद की वजह से हर कोई यहाँ घूमने नहीं जा पाता। उम्मीद है आने वाले टाइम में यहाँ सब ठीक हो और सब लोग अपना यहाँ घूमने जाने का सपना पूरा कर पाएं। दोस्तों, अगर आप भी इनमें से किसी भी जगह घूमने जाना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।